भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर चीन। गलवान घाटी में 15 जून की झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। आज तक के पास हैं सैटेलाइट तस्वीरें। अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को झड़प वाली जगह से पीछे ले जा रही है चीनी सेना। फिंगर फोर्ट के पास चीन ने 62 नई पोस्ट हटाई। पैंगोंग झील से भी सीमित संख्या में चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत। फिंगर फोर रिज लाइन में चीनी सेना ने ध्वस्त किए अपने कुछ निर्माण। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गुगरा इलाके से हटा चीन। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बफर जोन बनाने का फैसला। आगे की कार्रवाई से पहले एलएसी पर वास्तविक हालात का जायजा लेगा भारत। चीनी विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर मूवमेंट को बताया सकारात्मक प्रगति। चुशूल में कमांडरों की बैठक के बाद तय समझौते पर जल्द होगा अमल। एलएसी पर तनाव कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका। चीन के विदेश मंत्री से रविवार को हुई थी बातचीत। आर्थिक मोर्चे पर बिगड़ी चीन की हालत। ग्लोबल टाइम्स में निवेश का दिया हवाला। कहा, चीन से हालात खराब न करे भारत। चीन को लेकर राहुल गांधी के वार पर बीजेपी का पलटवार। नड्डा बोले, डिफेंस की स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेते लेकिन गिराते हैं सेना का मनोबल। भारत बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, महज कमीशन के लिए डिफेंस में रुचि रखता है गांधी परिवार। कानपुर में पुलिस पर हमले के बाद यूपी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अभियान। टॉप माफिया के लिस्ट तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को दी खुली छूट। हर हाल में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने का आदेश। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर। मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त। नोएडा में भी अपराधियों पर शिकंजा। कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेतपुर। ग्रेटर नोएडा में रामपुर गांव में की गई कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गे सत्यवीर बैंसला के 3 प्लॉट भी कुर्क किए गए, कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर। 4 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है गैंगस्टर विकास दुबे। सुराग ढूंढने के लिए बनाई गई करीब 50 टीमें। नेपाल से बिहार और मध्य प्रदेश तक तलाशी। पुलिस ने विकास दुबे के सर पर रखा 2.5 लाख का इनाम। यूपी में जगह जगह चिपकाए गए हैं पोस्टर। अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त। ये कार्य विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की। विकास दुबे केस में 4 और पुलिस वालों पर गिरी गाज। मुखबिरी के आरोप में एक्शन। सामने आए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी। एसओ विनय के खिलाफ एसएसपी को की थी शिकायत। तत्कालीन एसएसपी आनंद देव की भूमिका की भी होगी जांच। गिरफ्तार हुई विकास दुबे की नौकरानी। पुलिस ने 2 महिला रिश्तेदारों को भी दबोचा। सामने आया विकास दुबे का 2017 का इंटरव्यू। बीजेपी के 2 विधायकों से रिश्ते का किया जिक्र। बीजेपी के विधायकों ने विकास दुबे के साथ रिश्तों की बात को सिरे से खारिज किया। बोले, कुछ भी बयान दे सकता है गैंगस्टर। सामने आई विकास दुबे की नई तस्वीरें। किसी पार्टी में नजर आ रहा है पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर। विकास दुबे को लेकर सुलग रही है यूपी की सियासत। कांग्रेस ने लगाया सूबे में जंगल राज का आरोप। कोरोना संक्रमण के मामले में 3रे नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले। देश भर में करीब 7 लाख पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में फिर 5,000 से ज्यादा नए केस। कुल केस की तादाद बढ़कर 2,12,000 के करीब। सिर्फ 24 घंटे में राज्य में 204 लोगों की मौत। अब तक 9,000 से ज्यादा मौतें। मुंबई में भी जारी है कहर। कोरोना केस 85,000 से ज्यादा। मुंबई में मौतों का आंकड़ा 5,000 के करीब। दिल्ली में 1 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मामले 1 लाख से ज्यादा। 24 घंटे में 1,379 नए मामले। दिल्ली में रोजाना के केस थोड़े घटे। सोमवार को इनकी तादाद करीब 1,300। रिकवरी रेट बढ़कर 71% के पार। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कहा, जान बचाने के लिए सबसे बड़ा दान। देश भर में 24 घंटे में 425 लोगों की मौत। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 4,150 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। अब तक 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में बढ़ रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में 900 से ज्यादा केस। अब तक 809 मौतें। उत्तराखंड में
कोरोना केस 3000 के पार, अब तक 42 लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात में कोरोना केस 36,000 से ज्यादा, अब तक 843 मौतें। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़े, अब तादाद 15,000 के करीब, अब तक 608 मौतें। राजस्थान में कोरोना के केस करीब 20,000, अब तक कोरोना से 456 लोगों ने दम तोड़ा। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापे के दौरान एनकाउंटर, एक मुजरिम घायल। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बिजी रोड पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। फतेहाबाद में तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे कुत्ते से टकराई, 3 पुलिस वालों की मौत। राजगढ़ में 15 साल का बच्चा नदी में बहा, लोग बनाते रहे वीडियो। अमरेली में सेंचुरी में एक साथ दिखे 10 शेर, बारिश के बीच मिलकर किया शिकार। गुजरात के अमरेली में बाढ़ का कोहराम, इंसानों के साथ बेजुबान जानवर भी परेशान, 10 घंटे तक पानी में फंसा रहा बैल। राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों को किया बेहाल, दरिया बन गई शहर की सड़कें, क्रिकेट स्टेडियम में भरा पानी। द्वारका में 24 घंटों में मूसलाधार बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात। द्वारका में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, कई इलाकों में भरा पानी। जूनागढ़ में भारी बारिश से गिरा पुल, कई इलाकों में पानी जमने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें।